गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। पहले मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दिया है, लेकिन आज जो है डिटेल में हमें पढ़ना है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। सिंपली आप ये समझिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में ना उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सही है जी, अगर हम बात करें उद्देश्यों के बारे में बताया गया, और यही बताया गया है कि ये जो आपके जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है बेटा क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण करना। तो उद्देश्यों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है इसी के बारे में बताया गया, तो इसी को हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी ना डेफिनेशन भी लास्ट टाइम समझा दी थी, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बेटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, ये वे उद्देश्य वे मापदंड है जिसको द्वारा छात्र द्वारा विद्यालय क्रियाओं को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है ना। अगर हम बात करें उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसे मापदंड है जिसको हम कैसे अचीव करेंगे, स्टूडेंट्स के थ्रू अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराकर, ताकि बच्चे जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा 8th क्लास में है और वो चाहता है कि मैं 8th को पास कर लूँ, सही है, तो उसका उद्देश्य क्या है, 8th क्लास पास करना। लेकिन उस उद्देश्य को उन्होंने पूर्ण कैसे करा, पूरे साल पढ़कर, एग्ज़ाम देकर, फॉर्मेटिव देकर, जो है सबमेटिव देकर, या फिर हो सकता है कि यूनिट टेस्ट वगैरह देकर भी उसको जो है वो डिफाइन करवा पा रहा है। तो यही क्या कहलाए जाते हैं हमारे बेटे, उद्देश्य कहलाए जाते हैं, है ना। सिंपली अगर हम जो है वर्गीकरण की बात करें उद्देश्य की, कि कौन सी चीज़ों को, टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है वर्गीकरण करना। तो सिंपली अगर हम बात करें कि वर्गीकृत चीज़ें कौन कौन सी होती हैं बेटा, कितने तरीके का वर्गीकरण होता है, तो वर्गीकरण होता है बेटा तीन तरीके का, यानी कि उद्देश्य तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, फिर होता है हमारा भावात्मक उद्देश्य, और उसके बाद होता है बेटा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। यानी कि सबसे पहला क्या होगा, हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद क्या होती है हमारा इमोशनल होगा, और उसके बाद हमारा जो है वो जो है एक्टिविटी वाला होगा, यानी कि क्रियात्मक होगा, जिसमें हमारे फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। सही है, अगर हम बात करें ये सारी की सारी चीज़ें, तो देखो इन्होंने पहली चीज़ लिखी है कि जो प्रथम पक्ष है, यानी कि जो ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण है, वो ब्लूम तथा अन्य ने किया, मतलब ब्लूम ने खुद ही किया, सही है। और जो दूसरा है भावात्मक, वो ब्लूम ने और उनके सहयोगियों ने किया, सही है जी, मारिया ने भी किया, तीन चीज़ों का नाम लिखा हुआ। और जो क्रियात्मक उद्देश्य है, उनका वर्गीकरण जो है हैरो और सिम्पसन ने किया था। ये चीज़ हमें थोड़ी पता होनी चाहिए कि किसने कौन कौन सा वर्गीकरण किया था, और ये वर्गीकरण जो चीज़ें हैं वो किस किस चीज़ों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जैसे हम सबसे पहले बात करें, तो सबसे पहले वाला क्या है बेटा, ज्ञानात्मक उद्देश्य है ना। नाम से पता लग रहा होगा ज्ञान का स्तर यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि जो है माइंडफुल चीज़ें ज़्यादा होंगी, यानी कि दिमागी तौर पर, यानी कि जो आपकी बुद्धि है उसका लेवल क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा बढ़ रहा होगा। तो देखो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है कि ना, ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो व्यक्ति के नाम, उसकी समस्या या फिर समस्या समाधान या फिर चिंतन से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें वे उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान को पुनः स्मरण की पहचान करवाना, बौद्धिक योग्यताओं को के प्रश्नों के द्वारा उसको क्या करना, संबोधित करना या फिर चेंज करना, मतलब सिंपली इसके अंदर वो सारी चीज़ आएंगी जो आपके माइंड की एक्टिविटीज से रिलेट कर रही होंगी, यानी कि आपका थिंकिंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ है, सही है। और सिंपल सी बात है कि ये जो है सरल से जटिल की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि अगर आपके ज्ञान का विस्तार हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं जो है सिंपल चीज़ों के अलावा भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी समझना शुरू कर दोगे। आपकी जो थिंकिंग है वो यूनिवर्सल होती चली जाएगी, यानी कि आप लॉजिक्स को भी समझना स्टार्ट कर दोगे। तो इसी चीज़ की तो उद्देश्य की प्राप्ति हम करवाना चाहते हैं ना किसी बच्चे में, कि बच्चा केवल ऐसा ना हो कि वो जो है पुस्तकों तक ही सीमित है, उसका जो है ज्ञान का भी क्या हो सके, अच्छे तरीके से विस्तार हो सके। तो ज्ञान का विकास जो होगा वो किस तरीके से होगा, जब वो अपनी थिंकिंग को चेंज कर पाएगा या अपनी चीज़ों को चेंज कर पाएगा। जैसे सिंपली बात करें तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों के 6 भागों में सरल से जटिल की तरफ व्यवस्थित किया गया है। कौन कौन से 6 भाग होते हैं बेटे, ज्ञान है, बोध है, सही है, ज्ञान बोध और प्रयोग को निम्न स्तर में रखा गया है, सही है। ज्ञान क्योंकि अर्जित कर सकता है बच्चा छोटी सी एज में, हाँ, अगर हम सिंपली बात करें तो ज्ञान को, बोध को, प्रयोग को, उनको निम्न स्तर में रखा है। विश्लेषण संश्लेषण को मध्यम स्तर में रखा है, और मूल्यांकन को उच्चतर स्तर में रखा है। देखो अगर मान लो कोई एक उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई सीए बनना चाहता है और जो है उसका जो उद्देश्य है वो सीए बनना है, और जो टीचर्स उसको पढ़ा रहे होंगे उसके उद्देश्य की प्राप्ति करवा रहे होंगे, तो मेनली वो किस तरीके से जज करेंगे, असेसमेंट क्या होता है। एक सिंपल हम क्लासरूम में भी देख सकते हैं, जस्ट एक 8th क्लास का बच्चा है, 8th क्लास बच्चे को पास होकर 9th में जाना है, उसको उद्देश्य 8th क्लास को पास करना, फर्स्ट आना वहाँ पर मान लो, और टीचर का काम है कि मैं जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं उन सबको इतना ज़्यादा पढ़ा दूँ कि वो 8th में एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे दें और पास हो जाएँ। तो इन चीज़ों को किस तरीके से समझा पाएंगे हम, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी, और नॉलेज की इन्फॉर्मेशन देता कौन है, टीचर देता है, सही है जी। नॉलेज की इन्फॉर्मेशन अगर हम बेसिकली बात करें तो टीचर उस जो है नॉलेज की इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, बच्चा उसको बोध करता है, बच्चा उसको समझता है,
एक्टिविटी करवाते हैं उससे से अलग अलग तरीके की, तो पहली चीज़ तो यही करवाते हैं। इसलिए अगर हम बात करें ज्ञानात्मक उद्देश्य में तो सबसे निम्न स्तर पर तो यही सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद क्या होगा, बच्चे को तो सिखाया गया है, बच्चा उसको ना जोड़ता है किसी दूसरी चीज़ से, विश्लेषित करता है, विश्लेषण करता है, सही है, संश्लेषण करता है उसका, एनालिसिस करेगा और असेस करेगा अपनी चीज़ों को खुद ही खुद, और किस तरीके से किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुँचेगा और अपनी उसी चीज़ का, उसी प्रीवियस जो है एक्सपीरियंसिस का इस्तेमाल करके कहीं और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, सही है। उसके बाद क्या होता है, हम जज करते हैं कि जो बच्चे को हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या वो उद्देश्य जो है कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो वो कैसे पता लगता है, जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन के तरीके हो सकते हैं, हो सकता है किसी असेसमेंट के थ्रू इवैल्यूएट कर रहे हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन के थ्रू इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो हमारा अपना मन है, लेकिन मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूल्यांकन के बाद ही पता लगता है कि एक्चुअल में बच्चे की उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, सही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान का स्तर। ज्ञान के स्तर का मतलब क्या है, कह रहे हैं ज्ञान स्तर का उद्देश्य सीखने वाले की उन क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होते हैं, सही है। मेमोरी पावर की बात करेंगे जब भी ज्ञान के स्तर की बात करेंगे, मतलब बच्चा अपने जो है परिभाषाओं को अगर सीख रहा है, बच्चा आसपास की चीज़ों को अगर सीख रहा है, तो अपने अंदर कितनी देर तक उस चीज़ को संग्रहित करके रख पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें तो छोटी क्लास में ए फॉर एप्पल और छोटा सा अनार पढ़ाया जाता है, लेकिन आज तक हमारे दिमाग में वो चीज़ें हैं ना, हमें याद है। तो यही क्या है, हमारी स्मृति के, हम कितना अपने दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से झट दें हमने किसी चीज़ को देखा और हमें वो चीज़ याद आ जाए, हमने उसको कितना संग्रहण करा है, वही हमारा क्या कहलाया था बेटा, ज्ञान का स्तर कहलाया जाता है। कह रहे हैं इसमें विभिन्न पतों, प्रत्ययों, संकेतों, परिभाषाओं आदि का पुनः स्मरण और पहचान करने का जो है संबंधित व्यवहार शामिल होता है। जैसे छात्र प्रकरण को पहचानने की योग्यता रखते हैं, छात्र प्रकरण को प्रत्यास्मरण करने की योग्यता भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल, सही है। अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बचपन में हमने कभी, मैं आपको छोटा सा अनार का एग्जांपल दे रही थी, तो ये छोटा सा अनार अगर हमें याद करवाया जाता है, हो सकता है बीच में एक आध दो पॉइंट भूल जाएं, लेकिन उसको देखने के बाद तुरंत में हमें याद करने की दोबारा से उसे ज़रूरत नहीं, हम पढ़ते ही उसको दोबारा हमारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ जी ये सारी चीज़ें होती हैं, सही है। जैसे आ आ ई ई करके सब पढ़ते हैं, तो खा से खरगोश तक तो सीधा सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं ता से तरबूज के बाद, है ना, था से थर्मस, दा से दवा, इसमें अटक जाते हैं कहीं। लेकिन उसके लिए थोड़ी ना कि छोटे बच्चे की तरह जैसे आपको पहले याद करवाया गया था, अभी भी मैं 10-15 दिन लगाऊंगी तो आपको वो याद होगा, नहीं, आप एक बार अगर उसे देखोगे तो पुनः स्मरण कर लोगे, आपको सारी चीज़ दोबारा से याद आ जाएगी, दोबारा से आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, एक बार बस देखने की जरूरत होती है, इसी को हम ज्ञान स्तर बोलते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर लिखे हुए थे, इसका मतलब यही है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है बेटा आपका बुद्धि स्तर, सही है। बुद्धि स्तर का मतलब क्या होता है, ज्ञान के बाद बोध का प्रक्रम, है ना। अगर हम बात करें तो बोध स्तर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का बोध कितना ज़्यादा कर पा रहे हो, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझा दिया गया है तो उस पर आप अपने एग्जांपल्स बना लो, सही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ज़रूरी थोड़ी ना बुक में जितने भी लिखे हैं वो सारे एग्जांपल मैं आपको दे पा रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के बाद मेरा बोध स्तर भी क्या हुआ होगा, सुधरा होगा, है ना, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो है मेरी जो बोध करने की क्षमता है वो भी क्या हुई होगी, इंक्रीज़ हुई होगी, बचपन में इतनी नहीं होगी, अब ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ फोर्थ क्लास के बच्चे को कि जी आपने जो है सनलाइट को कहाँ कहाँ देखा है, तो वो इतना ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर किसी 12वीं क्लास के बच्चे से पूछूं जी तुमने सनलाइट को कहाँ कहाँ देखा है, डेफिनेटली वो उन सूचनाओं के आधार पर कहीं ना कहीं से जो है एग्जांपल देता हुआ नजर आएगा। तो यही हमारी क्या कहलाती है, बोध स्थिति कहलाई जाती है, सही है बेटा। तो ये तो हमारा बोध स्तर कहलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कह रहे हैं ज्ञान के बोध का क्रम आता है। इसके बाद कह रहे हैं इस स्तर पर छात्र विभिन्न सूचनाओं से के साथ साथ सूचनाओं से संबंधित चीज़ों को भी समझ रखने लग जाता है ना, वो बोध करने लगता है, वो जो है मिक्स करने लगता है। प्रयोगात्मक चीज़ें क्या होंगी, जैसे अगर हम सिंपली बात करें तो बच्चा प्रयोग करने में सक्षम होगा, है ना, बच्चा अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को, जितने भी कंसेप्ट उन्हें पढ़ेंगे रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं उनको जो है अप्लाई करता हुआ नजर आएगा। अगर उन्होंने मैथ्स में सम सीख लिया तो कहाँ पर इस्तेमाल करेगा, बाजार में जब जाएगा किसी सामान को लेने में वहीं इस्तेमाल होंगे ना, प्लस भी वहीं पे यूज़ होगा, माइनस भी वहीं यूज़ होगा, सब्सट्रैक्शन भी वहीं यूज़ हो रहा है आपका, डिवाइड भी वहीं यूज़ हो रहा है। तो बच्चा उन चीज़ों को भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग में ला रहा है। तो ये प्रयोगात्मक जो है उद्देश्य कहलाया जाता है। कह रहे हैं किसी भी तथ्य नियम के सिद्धांत को सामान्यकरण करने और उनकी कमजोरी निदान करने हेतु पाठ्य वस्तु को प्रयोग करने के लिए आवश्यक की पहली वस्तु होनी चाहिए, उसका जो है अगर हम बात करें वस्तु का क्या होना चाहिए जी, ज्ञान और बोध होना चाहिए, तभी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब पता लगा जी, कोई हमसे पूछ रहा है जी आपके क्या नाम है, ये जानते हो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है, अब आधा ज्ञान हैगा, बोध जानते नहीं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठ जाएं, तो गलत इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन आपने सुना होगा जी। ज्ञान हो तो पूरा हो, नहीं तो बिल्कुल भी ना हो, लेकिन आधा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, आधा ज्ञान हमेशा बिल्कुल ख़राब होता है जी, आधा ज्ञान लेके कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ज्ञान को हमेशा क्या रखो, अपने पूरा रखो, किसी भी तरीके की कोई जो है दिक्कत ना। जैसे फॉर एग्जांपल छात्र का कारण बताने की योग्यता, अब बच्चा किसी चीज़ को कारण क्यों बता पाएगा,
क्योंकि उसकी लॉजिकल थिंकिंग क्या हो रही है, डेवलप हो रही है. मतलब उसने पहले कंसेप्ट को समझा है, उसके बाद उस कंसेप्ट का जो है रिलेट करना शुरू करा है, तब जाके वो रीज़न दे सकता है. अब मैं किसी बच्चे से बोलूँ, बताओ जी ये जो बाइक है चलते चलते रुक जाती है, ब्रेक लगाते जी क्यों रुक जाती है, भाई उनने बचपन में कभी फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझा था इसलिए वो ऐसी चीज़ें बता सकता है. तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. निष्कर्ष निकालना, किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना, पर्टिकुलर किसी चीज़ के कंक्लूजन पर पहुँचना, सो ये रिजल्ट को एकत्रित करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, प्रयोगात्मक. विश्लेषण में क्या होता है, ये ज्ञान का माध्यमिक स्तर होता है. इसके अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो सूचना और तथ्यों को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने में संबोधित होते हैं. यानी कि विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि अब हम एक चीज़ को ऐसा होल नहीं समझेंगे. अब सारे चार पैर वाले जो हैं वो कुत्ता नहीं है, चार पैर वाली बिल्ली भी हो सकती है जी, चार पैर वाला खरगोश भी हो सकता है, चार पैर वाला जो है जी टाइगर भी हो सकता है. तो मतलब एक ही कंसेप्ट को ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ों को एक जैसा समझे, एक ही चीज़ को किस तरीके से बांटना है ना, वो विश्लेषण कहलाता है. सही है, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है. जैसे छात्र देश में अंतर बताने की योग्यता रखते हैं, सही है. अगर हम बात करें तो किसी भी दो चीज़ों के बीच में विभिन्नताओं को बता देंगे. संश्लेषण का मतलब होता है सीखी गई चीज़ों का बेटा जो है सिद्धांतों का तत्वों का जो है एक रूप में व्यवस्थित करके उसका नया प्रारूप तैयार करना, यानी कि कहीं ना कहीं उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करना. संश्लेषण का मतलब यही है. जितना भी सिखाया गया बच्चा अपने जो है बुद्धि के हिसाब से या अपने कम्फर्ट के हिसाब से उसको क्या कर लेगा बेटा, एकाग्रित कर लेगा और उसके बाद उसका यूज़ कर लेगा इजिली. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने के बाद क्या होगा बेटा, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे, सही है. और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसी तरीके से पढ़ भी रहा होगा. अपने अकॉर्डिंग या फिर अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा होगा, उनको समग्र कर रहा होगा यानी कि एकाग्रित कर रहा होगा. तो कहीं ना कहीं से क्या कर रहा होगा, लिंक कर रहा होगा यानी कि जोड़ रहा होगा, है ना. सिंपली इसी तरीके से चीज़ें हो पाती हैं, अदरवाइज नहीं हो पाती, सही है. तो मूल्यांकन में तो आप जानते हैं, मूल्यांकन वो मेथड होता है जी, वो प्रक्रिया है इवोल्यूशन जिसके थ्रू हमें पता लगाते हैं कि भाई जो उद्देश्य हम चाहते थे प्राप्त हुआ नहीं हुआ, तो वो जो है स्तर कहाँ तक पहुँचा. इसको सबसे उच्च स्तर में माना जाता है और ये सबसे उपयोगी और अनुपयोगी दोनों चीज़ों पर हो सकता है. आप ये देखो कि आप बच्चे के अंदर कौन से सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हो, पाठ्य वस्तु के बारे में इवोल्यूशन करना चाहते हो, किसी अदर फैक्टर के बारे में इवोल्यूशन करना चाहते हो. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एग्जामिनेशन केवल रिटर्न फॉर्म होती है परीक्षा की, जिसमें हम केवल ये आंकलन लगा सकते हैं कि बच्चे को कितना आया. लेकिन इवैल्यूएशन सिस्टम रिटर्न में नहीं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिटर्न में, ये कंटिन्यूस होता है. हम इसमें क्या करते हैं, बच्चे को टाइमली चेक करते हैं. हम डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं जी, वीकली बेसिस पे असेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो तीन वर्ड हैं बेटा, इवैल्यूएशन, असेसमेंट और एग्जामिनेशन. यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें मूल्यांकन, आंकलन और परीक्षा, ये तीनों चीज़ें जो हैं अपने आप में अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लिंक ज़रूर करती हैं. इवैल्यूएशन का ही पार्ट है असेसमेंट भी और जो है आपका एग्जामिनेशन भी, लेकिन तीनों हैं एक दूसरे से अलग. तीनों का मतलब सेम नहीं होता. ऐसा नहीं है अगर आपसे पूछ दिया जी एग्जामिनेशन क्या, आप उसमें भी इवैल्यूएशन वाले पार्ट लिख रहे हैं. अगर आपसे पूछ दिया जी असेसमेंट क्या, असेसमेंट भी इवैल्यूएशन का पार्ट पूछ रहे हैं. तो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए. अब बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य की. तो भावात्मक उद्देश्य में हमारी अभिरुचियाँ, रुचियाँ, मूल्य, नैतिकता, सही है, ये सारी भावनाएं आएंगी. और नैतिक भावना तो ज़रूरी आएगी क्योंकि समाज में हर कोई यही चाहता है जी किसी का बहुत अच्छा चरित्र बन जाए जी, कैरेक्टर अच्छा डेवलप हो, एक आइडेंटिटी बनाए, एक अपनी पहचान बनाए जो समाज में जो है उसको काफ़ी ऊंचा रखने में सहायक करे, समाज में एक स्थान दिलवाने में सहायक करे, ऐसा ना समाज के अंदर मजाक बन के रह जाए. तो ऐसे उद्देश्य कौन से होते हैं हमारे, भावात्मक उद्देश्य कहलाते हैं. सबसे पहला क्या होता है, इनमें ग्रहण करना. ऑब्वियस बात है, जिस भी चीज़ को बच्चे को सिखाया जा रहा है बच्चा अपने अंदर क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा. यानी कि बच्चा पहले उसको समझेगा, नॉलेज को गेन करेगा, उसके बाद क्या करता है, अनुक्रिया करता है. जितने भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम या फिर विद्यार्थियों को जिस भी अनुक्रिया से संबंधित किया गया है, बच्चा उसके प्रति ग्रहण करने के बाद कौन सी चीज़ों को किस तरीके से शो कर पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है, वो क्या कहलाती है, उसके बेटे अनुक्रिया कहलाती है. जैसे भावात्मक उद्देश्य का दूसरा स्तर विद्यार्थियों की उचित अनुक्रिया से संबंधित होता है. कह रहे इसमें छात्रों में किसी विषय सामग्री को ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो जाती है. सही है, अनुक्रिया में क्या होता है कि बच्चे के अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि वो किसी चीज़ को समझ सके अच्छे तरीके से. सही है, अगर वो किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा तो किसी चीज़ को लिंक कैसे करेगा. तो सबसे पहले आप ग्रहण करना है, यानी बच्चे तक नॉलेज पहुंचाना, बच्चा उस नॉलेज को गेन करेगा. अब नॉलेज को गेन करने के बाद क्या करेगा, बच्चे के अंदर आप ये भी तो लाओ ना कि बच्चा गेन करे, ऐसा इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो कि बच्चा कुछ चीज़ों को सीखना चाह रहा है, अपने दिल से वो चीज़ों को सीखना चाह रहा है, ऐसा ना हो अपने मन से कुछ भी करना चाह रहा है. सही है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगाना है. अनुमूल्यन होना चाहिए, यानी कि जो ग्रहण करे उसके प्रति अनुक्रिया देना. सही है, विद्यार्थियों के अंदर किसी घटना के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर लेकर आनी चाहिए. सही है, जैसे अनुमूल्यन का मतलब सिंपल ऐसे मान लो आप कि अगर मैं आपसे जो है एज अ टीचर अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि भाई बाहर रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है और कोई उसे नहीं उठा रहा, तो तुम क्या जाकर उठाओगे, तो तुम उस घटना के बारे में सोचोगे ना. तो मैं जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी या फिर कोई भी मॉरल वैल्यूज़ आपके अंदर यहाँ पर थी, किसी भी तरीके का इमोशन था, तो आप बताओगे जी हम जाएंगे या हम नहीं जाएंगे, तो हम डरेंगे पुलिस वालों से, हम नहीं बचाएंगे उसको. या फिर कोई हो सकता है कोई बच्चा बैठ के बोले नहीं तो मैम हम तो ज़रूर जाएंगे, हम तो उसे बचाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, किसी ने उसे मार दिया, उसके ब्लड निकल रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है आपके, अनुमूल्यन. संगठन
परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अब दिमाग में जितनी भी चीज़ आई हैं, जितना भी परसेप्शन बना है, उन सबको एक जैसा निर्माण करना। और जब किसी जो है व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, बड़ा व्यक्ति हो, ये भी बेटा निरंतर ही होता है, भावात्मक उद्देश्य भी हमारी ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा तब तक चलते रहते हैं, सही है। तो इसमें क्या है कि जितनी भी मॉरल डेवलपमेंट बच्चे की होनी होती है, बचपन में हम उन्हें कहानियाँ वगैरह तो सिखाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ों के होने के बाद बच्चे का अपना एक कैरेक्टर फॉर्म होता है, जिसको हम चरित्रीकरण के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चा जिस चीज़ों को हम सिखाना चाह रहे थे ना, बच्चे को उसने किस में डाल लिया, अपने स्वभाव में डाल लिया। इसलिए बोलते हैं कि जितना एजुकेटेड व्यक्ति होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलाइट होगा, वो बदतमीजी करता नज़र नहीं आएगा, गाली बकता नज़र नहीं आएगा, चीखता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? उसकी एक लैंग्वेज में एक पोलाइटनेस आ जाती है। भाई उन्होंने अपने लेक्चरर को इसी तरीके से बात करते हुए देखा है, उसने अपने टीचर्स को बदतमीजी करते हुए नहीं देखा, उसके टीचर्स ने जो उसे कहानियाँ सिखाई उन्होंने अपने अंदर क्या कर ली, अडेप्ट कर ली। तो उसके बाद उसके व्यवहार में वो चीज़ें क्या होंगी, झलकेंगी। क्योंकि ऐसा तो जो है सिंपली अगर हम देखें तो पहले भी पढ़कर आए कि जितनी भी डाइट में भी, इवन फर्स्ट ईयर में भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि जो भी हम काम करते हैं या फिर जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से जुड़ जाता है, यानी कि हमारे बिहेवियर से जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं वो हमारे कैरेक्टर में झलकेगा ज़रूर। अगर कोई जो है साइंस का स्टूडेंट होगा जी, उसको लॉजिकल थिंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, हर चीज़ के पीछे के रीज़न को जानने की कोशिश करेगा। कोई कॉमर्स साइड का स्टूडेंट होगा भाई, उसे हिसाब किताब में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। कोई आर्ट साइड का स्टूडेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई या किसी चीज़ को क्रिएटिविटी हो गई, सही है कि ज़्यादा बच्चा क्रिएटिव होता है आर्ट साइड का, क्योंकि उनको बहुत सारी फाइल वगैरह बनानी पड़ती हैं, सही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो हमारे स्वभाव में, हमारे बिहेवियर में हमें नज़र आती हैं, हम देख पाते हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट उद्देश्य होता है बेटा क्रियात्मक उद्देश्य। तो कह रहे हैं शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में इसका बहुत महत्व है, ये उद्देश्य विद्यार्थी की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कौशलों में विकास करते हैं। यानी कि बच्चा का जो है शारीरिक रूप से कितना ज़्यादा बच्चा डेवलप हो पा रहा है या उसके स्किल्स कितनी ज़्यादा डेवलप हो पा रही हैं, ये क्रियात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण हम अभी समझ कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है परसेप्शन बनाना, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं ज्ञानेंद्रियों की मदद से बच्चे ने जो चीज़ सीखी है उसको जो है, अगर हम बात करें करें उसको जो है जो भी सीखा है उन्होंने उसको उपयोग करना, यानी कि उसके प्रति उसका एक नज़रिया बन जाना। तो नज़रिए को ही प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में से परसेप्शन के नाम से जाना जाता है। विन्यास, यानी कि जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में चित्रित करना या चित्र बनना। विन्यास का मतलब होता है कि आप जो भी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो पहले से आपके दिमाग में थोड़ा सा उसके प्रति क्या हो जाए, एक जो है क्या नाम है, एक क्या नाम ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम टेबल सा बन जाए, एक शेड्यूल सा बन जाए, एक जो है एक ब्लर इमेज से बन जाए, लेकिन बने आपको समझ आए कि हाँ भाई ऐसी कौन सी चीज़ है कैसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक निर्दिष्ट अनुक्रियाएं करना। कह रहे हैं इसका मतलब है जटिल कौशलों संबंधी योग्यताओं से निर्दिष्ट क्रियाओं अनुक्रियाओं का मतलब होता है कि जो आप कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को भी शो करना शुरू कर देते हो। तो जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो कहीं ना कहीं आपको पता लगता रहता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए क्या है लाभान्वित है, यानी कि जो हमें प्रॉफिट देगी, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए जो है लॉसफुल होते हैं, यानी कि जिनसे हमें लॉस होता है। तो ऐसी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं बच्चा जो है उपयोग में लाता है कि हम ऐसे कौन से काम करें जिससे हमें फ़ायदा ही होगा, ऐसे कौन से काम करें जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करता है। यांत्रिक क्रियाएं प्रणाली होती हैं, छात्र जब एक विशेष कौशल की तरफ जाता है तो उसे हम यांत्रिक क्रियाएं प्रणाली के नाम से जानते हैं, सही है। नेक्स्ट होता है आपका जो है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। इसमें जो है हर तरीके की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, सही है, सारी तरीके की, चाहे वो आपकी यांत्रिक हो, चाहे वो निर्दिष्ट हो, चाहे आपकी वो कॉग्निटिव हो। तो इसमें अगर हम बात करें सिंपली इस वर्गीकरण से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कह रहे हैं इस प्रकार में निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्गीकरण की सहायता से शिक्षक अपनी शिक्षण प्रणाली और सीखने के उद्देश्यों में जो है चेंजेस ला सकता है और सुगमता प्राप्त कर सकता है, निर्धारित कर सकता है कि हाँ मुझे अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से कौन सी चीज़ को पढ़ाना चाहिए और मैं बच्चे को कौन से टाइम पे किस तरीके का विकास कर सकता हूँ। मैं क्रियात्मक विकास कब कर सकता हूँ, भावात्मक विकास मुझे करना है तो वो कौन कौन से विकास होंगे उस बच्चे के, और उसी तरीके से अगर मुझे बच्चे के अंदर जो है ज्ञानात्मक विकास करना है तो मुझे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी कि बच्चे के अंदर मैं ऐसा विकास कर सकूँ। तो इस वर्गीकरण, इस क्लासिफिकेशन की वजह से, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की वजह से ही हमें ये समझ आ पाता है क्लियरली कि हाँ भाई बच्चे को कौन से टाइम में कौन सी चीज़ की नीड महसूस हो रही है। क्लियरली अगर आप एक टीचर हो, अगर आपको मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई है तो अब आप जानते हो कि बच्चे के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं और इन सारे उद्देश्यों को आप किस किस तरीके से प्राप्त करवा सकते हो, भाई कौन कौन सी आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू आप बच्चे को ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा रोल ऑफ़ टीचर इन इवेल्यूशन फॉर लर्निंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, रोल ऑफ़ टीचर जब भी आ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जी। बताओ जी लर्निंग में जो है इवेल्यूशन में जो है टीचर का क्या रोल था इवेल्यूएट करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है भाई बिना टीचर के तो आप इवेल्यूएशन कर नहीं सकते। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो गुरु की तरह काम करे, जो इवेल्यूएट करे चीज़ों को, सही है जी। ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये सब जो है। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है बेटा, अगर हम बात करें
सबसे पहली चीज़ होती है अधिगम के प्रत्येक स्तर के लिए आंकलन का निर्धारण, सही है। जो भी करिकुलम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई जाती है उसको आंकलन करने के लिए एक लेवल बनाना ज़रूरी है कि कौन कौन से लेवल पर किस किस तरीके से हमें कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल करनी है जिसकी वजह से हम बच्चे का असेसमेंट कर सकें। ये टीचर ही डिसाइड करता है, ओरल टेस्ट लेना है, रिटन टेस्ट लेना है, एमसीक्यू टेस्ट लेना है, जी क्विज लेना है, डिस्कशन कराना है, स्पीकिंग कॉम्पिटिशन कराना है, डिबेट कराना है, क्या करवाना है, तो वो जो है हर एक स्तर पर जो है टीचर ही निर्धारित करता है और कोई निर्धारित नहीं करता, सही है, उद्देश्यों की पूर्ति को देखने के लिए। तो उद्देश्यों का निर्धारण भी टीचर ही करता है बेटा, है ना। बच्चे के अंदर कौन से जो है ये टॉपिक यही है कि अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण करना भाई टीचर ही डिसाइड करता है। जैसे 7th क्लास का बच्चा है तो उसको कौन सा करिकुलम जो है इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, चाइल्ड सेंटर्ड इस्तेमाल करना है, लर्नर सेंटर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आप बड़े हो तो मैं आपके हिसाब से नहीं पढ़ाऊँगी, अपने हिसाब से भी कभी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन 12th तक की एजुकेशन में अगर हम देखें तो हमें केवल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके अलावा हम किसी और का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच्चे को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है बेटा, टीचर ही तो डिसाइड करता है, क्योंकि टीचर के पास ही सारी गाइडलाइंस आती है, उसके बाद आप तक पहुंच पाती हैं, आप सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसी तरीके से करते हैं। जैसे सिंपली अगर हम बात करें अधिगम प्रक्रियाओं को बच्चों के कौशल के अनुसार बनाना है ना, तो इस तरीके से जो है बच्चों के अंदर कौन सी स्किल्स है, अब पता लग रहा है कि हम बच्चों को तो स्विमिंग करना सिखाएंगे लेकिन पूरी क्लास में से किसी को स्विमिंग नहीं आती, पानी से सब डरते हैं, तो उस केस में आप स्विमिंग कैसे सिखा दोगे, सही है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है उनके कौशलों का विकास करने के लिए अपने अधिगम प्रक्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा या ढालना पड़ेगा कि बच्चों के अकॉर्डिंग मैं ऐसी चीज़ों को कैसे डालूँ, सही है। इसलिए तो स्पोर्ट्स का भी पीरियड डाला गया ना, गेम्स का पीरियड डाला गया, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को बीच में जो है खेलने की भी आवश्यकता महसूस होती है और उससे उनका क्रियात्मक विकास होगा, सही है। जैसा कि हम पढ़कर आए थे कि क्रियात्मक उद्देश्य भी होते हैं, तो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट कराना चाहते हो, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कराना चाहते हो, तो उस बेसिस पे क्या होगा, बच्चे कहीं ना कहीं जो है अपने कौशलों को सुधारेंगे, तो उसके अनुसार आप क्या करोगे, अपने अधिगम प्रक्रियाओं को चेंज करोगे, सही है। परिणाम जो है उनकी जांच करना ज़रूरी है, सही है, जो चेकिंग वगैरह होती है। और ये भी आपको पता ही है कि अगर आपकी कॉपी एक जगह चेक हुई है दूसरी जगह भी रीचेक ज़रूर होती है, सही है। बच्चों के अंदर जो है सहयोग की भावना स्थापित करना भी टीचर का काम होता है, आत्मविश्वास बनाए रखना भी टीचर का काम होता है ना। बच्चों के अभिभावक के साथ भी संपर्क करना जो है स्थापित करना वो भी टीचर की ही रोल होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम ही है बेटा, मैंने आपको बताया इवैल्यूएशन कंटिन्यूस है, केवल रिटन नहीं है, केवल एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन नहीं कहलाया जाता, और भी कुछ होता है। तो ये जो PTM रखी जाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिसे हम बोलते हैं, तो क्यों रखी जाती है, ताकि बच्चे का जो है स्वाभाविक नेचर भी देखा जाए कि बच्चा जैसा स्कूल में दिखता है क्या घर पर भी वैसा ही है, उसी तरीके से बिहेव करता है। ऐसा तो नहीं बच्चे ने अपनी डबल पर्सनैलिटी बना रखी, घर में आतंक मचाता है और स्कूल में आकर शांत हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में भी जो है अभिभावकों से पता लगता है, यहाँ अभिभावक का मतलब है बेटा पेरेंट्स, सही है। बच्चों के अभिभावकों का बच्चों के प्रति सकारात्मक रूप स्थापित करने का मतलब भी क्या है, टीचर टीचर मोटिवेट करता है पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को समझो या उनको टाइम देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो ये भी विद्यार्थी किसका रोल होता है, अगर हम बात करें तो टीचर का ही रोल होता है यहाँ पर भी, उसके पेरेंट्स को समझाना, सही है। अब जो है टीचर का एक रोल ये भी होता है कि बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल्स में कितने रिसोर्सेज की जरूरत है उसको भी स्थापित कराना। जैसे अगर एक साइंस का टीचर है और साइंस लैब में उसको कोई एक्सपेरिमेंट कराना है, तो पहले वो देखेगा कि हमें कौन से एक्सपेरिमेंट कराने हैं इस क्लास के बच्चों को, और बच्चों के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई चीज़ की कमी होगी तो लिस्ट बनाकर नीचे दे देगा आपके एकेडमिक ऑफिस में और वहाँ से चीज़ों को मंगा लेगा। तो आपकी आवश्यकता अनुसार ही क्या करता है, वो संसाधनों को भी एकीकृत करता है, सही है। बच्चों की समस्या का समाधान भी टीचर ही करता है, और परिणामों में जो है किस तरीके से कौन कौन सी समस्या आ रही है उसका रोल भी जाता है बेटा टीचर का। तो ये था आपका रोल ऑफ टीचर, इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, निष्कर्ष लिखे हुए हैं। तो टूल्स के बारे में बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हमने जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो है कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद रोल ऑफ टीचर कंप्लीट कर लिया इवैल्यूएशन सिस्टम में। इवैल्यूएशन सिस्टम में ये रोल ऑफ टीचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेटा टीचर में पूछी जाती है, आपके एग्जाम में आए रेयर चांसेस है, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए आप पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सही है बेटा। आज हम इतना कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा जितना भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेटा बताऊँगी किस तरीके से करना है।